बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन द चैप्टर नंबर 12, दैट इज द ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन आर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो आज हम बात करते हैं कि जो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, के एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं. तो सबसे पहले अगर हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का मेथड है इसे हम कहते हैं इट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हम बात करते हैं ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स हैं फॉर इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स. यानी ऐसी न्यूट्रिशन की टाइप जिसमें फूड के आइटम जो लिक्विड सॉलिड कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल हो वो इंजेक्शन के बाद बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स के जरिए से उसकी जो है वो डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम कहते हैं इट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, 5 बेसिक स्टेप्स है. नंबर 1 जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन, और इसी ही तरह से सेकंड स्टेप है इसको हम कहते हैं इट इज द डाइजेशन, एंड थर्ड स्टेप इज इट इज द एब्जॉर्प्शन. और इसी ही तरह से देखें फोर्थ स्टेप में हम कहते हैं एसिमिलेशन, एंड द लास्ट स्टेप इज द इजेशन. तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द सॉलिड लिक्विड फूड पार्टिकल्स बाय इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन इज कॉल्ड द होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो सबसे पहला स्टेप हम कहते हैं इंजेशन का है. हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ taking in of food material it is called ingestion. यानी के हम देखते हैं कि खुराक को बॉडी के अंदर लेके जाना या सेल के इनसाइड मूवमेंट होना ये अमल इंजेशन कहलाता है. डिफरेंट लेवल के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से वो डिफरेंट तरीकाकार के जरिए से इंजेशन करते हैं. और इसी ही तरह से देखा जाए तो सेकंड स्टेप जो है इसको हम कहते हैं डाइजेशन. इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स. तो इस तरीकाकार में हम देखते हैं जो ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स की बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम देखते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वर्क करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड के मॉलिक्यूल को सादा फूड कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके. और इसी तरह से जो थर्ड स्टेप है इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन से मीन ये है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स मूव इन बॉडी फ्लूइड कहे या ब्लड कह दे ताकि वो फूड के कंपोनेंट बॉडी में मौजूद हर सेल तक पहुंच जाए. तो ऐसी सूरत में रीच
टू एवरी सेल इन द बॉडी के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड के प्रोडक्ट्स है बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड के जरिए से बॉडी के हर हर सेल तक पहुंच जाते हैं, इस अमल को हम कहते हैं इट इज द एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन के लिए भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनमें कॉम्प्लेक्सिटी के अतवार से नेचर ने अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स और सिस्टम्स पैदा किए हैं। तो इसी तरह से फोर्थ स्टेप इसको हम कहते हैं assimilation, the use of absorbed products in cell metabolism, it is called assimilation। और इसके जरिए से हम देखते हैं बॉडी के सेल्स की रिपेयर होती है या मेंटेनेंस या इसी तरह से हम कहते हैं ग्रोथ होती है, नए सेल्स की प्रोडक्शन है। तो इस तरह से जो एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के अंदर हर सेल अपने लेवल पर उसको इस्तेमाल करे अपने सेल्स की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए, ये स्टेप कहलाएगा एसिमिलेशन का। और इसी तरह से इजेशन का मतलब ये है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाए, ये बॉडी से बाहर मूव हो जाए, फीसिस की फॉर्म में ये फूड बॉडी से बाहर खारिज होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वेस्ट का बॉडी से बाहर खारिज होना ये इजेशन कहलाएगा। तो एनिमल में न्यूट्रिशन के ये फाइव मेजर या बेसिक स्टेप्स है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म से लेके हायर लेवल के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इन फाइव स्टेप्स के जरिए से मुकम्मल होती है। थैंक यू।